नमस्कार, प्रणाम, हर हर महादेव। आज अचानक से आप सभी के बीच में लाइव है, क्योंकि एक बात बताना चाहते हैं आप सभी से कि मोस्ट वेटेड सॉन्ग जो है खाई के पान बनारस वाला आ रहा है 8 सितंबर को सुबह 7 बजे सारे गामा हम भोजपुरी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल से। रिलीज डेट में थोड़ा सा उहापोह था, तो अभी मैंने सोचा कि आप सभी के बीच में आके क्लियर कर दें कि 8 सितंबर को सुबह 7 बजे ये गाना सारेगामा हम भोजपुरी पे आ रहा है। आप सभी के प्यार दुलार आशीर्वाद की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है, क्योंकि ये गाना बॉलीवुड का बहुत बड़ा गाना है। अमिताभ बच्चन जी ने इस पर एक्ट किया है और ये बहुत ही हिट गाना है, और हम लोगों की इसकी जिम्मेदारी मिनी भोजपुरी में कि हम लोग इसका रिमेक बनाएं, और हम लोगों ने जी जान से कोशिश किया है, बहुत मेहनत किया है इस गाने को बनाने में। और हम लोगों थोड़ा नर्वस भी थे कि भाई इतने बड़े गाने का हम लोग रिमेक बना रहे हैं भोजपुरी में तो कैसा होगा, लेकिन हम दावे के साथ कह सकते हैं कि हम लोगों ने बहुत अच्छा काम किया है, खास करके हमारे गुरुदेव जे डी बहादुर जी ने। यहीं पे उपलब्ध हैं। नमस्ते, प्रणाम आप सबको। हम लोगों ने बस कोशिश की, इतना बड़ा गाना है, बहुत ज्यादा छेड़छाड़ की गुस्ताखी तो हम लोग नहीं कर सकते। हाँ, बट कोशिश की है कि ठीक ठाक हो जाए, तो वो पहले से इतना बड़ा गाना है कि क्या कहा जाए, तो बहुत बड़ा चैलेंज है। सबने अच्छा काम किया है, म्यूजिक भी बहुत अच्छा लग रहा है, आशीष भैया ने भी बहुत मेहनत की है, और ब्रितेश भैया ने भी बहुत अच्छा गाया है, मुझे पूरी उम्मीद है मजा आएगा। और गुरुदेव जे डी बहादुर जी ने बहुत अच्छा लिखा है इस गाने को, जो भी उसमें क्रिएशंस हो सकते हैं सारा क्रिएशन हम लोगों ने बैठ के, हमने जे डी भैया ने, आशीष भैया ने, और आशीष भैया का क्या लाजवाब म्यूजिक है इसमें। तो अभी तो मैं बधाई नहीं दूंगा, क्योंकि गाना आया 8 तारीख को सुबह 7 बजे, उसके बाद आप लोग किस हिसाब से उस गाने को प्यार देते हैं, हमें तो पूरा उम्मीद है कि आप लोग प्यार देंगे ही। अच्छा देंगे। लगना चाहिए, अच्छा लग रहा है। हाँ, कानों अच्छा, को अच्छा लग रहा है तो लगना चाहिए। हाँ, और हम लोग अभी पटना में बड़े भाई छोटू रावत जी के स्टूडियो पे बैठे हुए हैं। हम चाहते हैं 2 मिनट आप लोग बात करें। हमने सुनाया है गाना, छोटू भैया को सुनाया है खाई के पान बनारस वाला, 2 दिन में तो आप लोग भी सुन लेंगे। सबसे पहले सारे भोजपुरी समाज को मेरा बहुत बहुत प्रणाम, और आज रितेश भैया हमारे पास आए हुए हैं स्टूडियो में, और बहुत सारे लोग यहाँ पे हैं। आर आर पंकज भैया हैं, जे डी बहादुर भैया हैं, और भी बहुत सारे लोग हैं यहाँ पे। और ये गाना जो सुने हम, सबसे पहले तो रितेश भैया को और आशीष भैया को, जिन्होंने बहुत अच्छा म्यूजिक बनाया है, उनको मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, शुक्रिया अदा करता हूँ कि इतने, सबसे पहले तो वो गाना जो है बहुत ही बड़ा गाना है, खाई के पान बनारस वाला बहुत ही बड़ा गाना है, हम लोग उसको छू भी नहीं सकते हैं, लेकिन फिर भी कोशिश तो किए हैं आशीष भैया और रितेश भैया, जेडी बहादुर भैया कोशिश किए हैं, और आप लोग का प्यार अगर इस गाने को मिल जाता है तो 4 चांद लग जाएगा। हम आप लोगों से हाथ जोड़ के विनती करेंगे, इस गाने को जैसे ही आता है 4 मिलियन 5 मिलियन वन डे में करके दिखाइए। बस आप लोग का प्यार दुलार आशीर्वाद बना रहे, और हम दावे के साथ कहते हैं कि आप लोगों को गाना जरूर अच्छा लगेगा, क्योंकि हम लोग दिल से मेहनत किए हैं, दिल से मेहनत किए हैं, और जैसे लग जाता है ना, पॉजिटिव वाइब्रेशन आती है किसी भी चीज से, तो पॉजिटिविटी आ रही है उस गाने को लेके। तो अब हमारे बीच में बड़े भैया आर आर पंकज जी आ गए हैं, तो हम चाहते हैं 2 शब्द आप बोलें, खाई के पान बनारस वाला 8 सितंबर को सुबह 7 बजे आ रहा सारे गाँव हम भोजपुरी के चैनल पे, तो इतने बड़े गाने का हम लोगों ने रिमेक किया है, तो आप क्या कहना चाहते हैं 2 शब्द इस गाने के बारे में? इस गाने के लिए हम यही कहेंगे कि आप सब अपना प्यार दे, जैसे रितेश भाई को और भी गाने का प्यार मिला है, और मिलियन तो हम लोग बहुत देखे, अब विलियन की समय आ गई है, अब भोजपुरी हम लोग को विलियन के आसपास है, तो आप लोग इस गाने को पहले मिलियन दे, उसके बाद विलियन तक पहुंचाए, मेरे तरफ से शुभकामना है। आप सब अपना प्यार बनाए रखें, हर हर महादेव, हर महादेव। और यहाँ पे हमारी टीम है, हमारे भाई सब है, छोटे छोटे मंजी में, छोटन पांडे जी, भोला जी, हमारे नन्हे कवि प्रकाश प्रकाश परदेशी परदेशी जी, जय हो जय हो।
ये सभी हमारे भाई, हमारे छोटे छोटे भाई, ये हमारे बड़े भाई, ये हमारे बड़े भाई, ये हमारे बड़े भाई, और ये हम। तो रंजीत चौधरी जी लिख रहे हैं, आई लव यू मेरी जान, लव यू टू मेरे भाई। एम के रॉय, लव यू टू मेरे भाई। दुर्गेश पांडे, लव यू टू, अरे बाप रे बाप, इतना लव यू। पप्पू शर्मा, लव यू टू भाई। राधे श्याम यादव, लव यू टू भाई। शैलेश सिंह, थैंक यू सो मच। हरेंद्र तिवारी, लव यू टू मेरे भाई। विनोद कनौजिया, गुड नाइट भाई। बिट्टू मिश्रा, कॉन्ग्रेचुलेशन, थैंक यू सो मच। राइटर आकेश राज, थैंक यू सो मच। गीतकार अमन, कलमकार चंदन कुमार, रतन सारस्वत, लव यू टू मेरे भाई। रामू गोस्वामी, थैंक यू। मनीष यादव जी, थैंक यू सो मच। गौरी शंकर, गुड इवनिंग। आहिर फेमस, थैंक यू मेरे भाई। राहुल गोस्वामी, हर हर महादेव। सोनू सवरिया, दिलीप कुमार, सुमित पाठक, विजय यादव, लव यू टू मेरे भाई। राजपूत आलोक सिंह कोयरान है, गुड नाइट मेरे भाई। अनु यदुवंशी, गुड नाइट। हिंदुस्तानी प्रिंस, और बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे हम बड़े भाई बद्री भैया को, जिन्होंने इस गाने का पूरा खाका तैयार किया और हम लोगों को इंस्पायर किया कि ये गाना आप लोग करें। और बहुत बहुत धन्यवाद महेश अन्ना जी का, जिन्होंने इतना बड़ा सीन इसका शूट किया इतने अच्छे से। और एक्ट्रेस कौन है इस गाने में? अरे मोहम्मद आशिक, गुड नाइट। मैं श्वेता महाराजी, सॉरी श्वेता महाराजी को बहुत बहुत धन्यवाद। और विकास भाई जो हमारे एडिट करते हैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आप लोगों का भी जो इतनी बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं इस गाने का। 8 सितंबर को सुबह 7 बजे सारे गामा हम भोजपुरी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे आएगा। बस हम लोगों ने तो दिल से मेहनत किया है, दिल से शूट किया है, दिल से बनाया है हमने, आशीष भैया ने, जीडी बहादुर भैया ने। और बस आप लोगों का प्यार दुलार आशीर्वाद चाहिए। अब हम स्टूडियो में हैं, थोड़ा काम करना है, इसलिए आज्ञा लेंगे आप सभी से, फिर दोबारा मुलाकात होगी आप सभी से 8 तारीख को। 8 तारीख को फिर मुलाकात होगी, जब गाना आ जाएगा तो फिर हम लाइव आएंगे आप सभी के बीच में। तब तक के लिए आज्ञा लेंगे, हर हर महादेव। एक बार साथ में सभी लोग बोलेंगे, ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव।